जो स्टॉक्स चर्चा में 18% ऊपर है वो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, क्योंकि उनको हाइड्रोजन बसेस का एक जो ऑर्डर मिला है और जो करार किया उन्होंने रिलायंस के साथ, और उसका इम्पैक्ट आपको क्लियरली स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। लेकिन इस खबर को पूरा इसके मायने समझते हैं। ये जो जोरदार तेज़ी दिख रही है, कमर्शियल कब ये लॉन्च होंगी बसेस, किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, इस पर और डिटेल्स लेकर हम तक सृष्टि पहुँची हैं। सृष्टि से बात करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ई बस मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसा कि आप बता रही थी 18% की आज तेज़ी दिखा रहा है, और इसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी ने कहा है कि वो जल्द ही आने वाले एक साल के अंदर जो है अपनी हाइड्रोजन बस को लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हम आपको बता दें, हाल ही में जो ऑटो एक्सपो हुआ था तो वहाँ पर तमाम लार्ज OEMs हमने देखे थे जो कि मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने शोकेस की थी अपनी हाइड्रोजन बस टेक्नोलॉजी, बट किसी का भी टाइमलाइन पर कुछ कहना नहीं था। छोटी अवधि में वो थोड़ा कहने से हिचकिचा ज़रूर रहे थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हाइड्रोजन बसेस के लिए जो पूरे उनके पंप्स लगते हैं वो सब फिलहाल रेडी नहीं है, पर इलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है भरोसा दिखाती हुई कह रही है कि आने वाले एक साल में वो अपनी जो बसेस हैं इनको लॉन्च कर देंगे। और जो ये बस इन्होंने बनाई है उसके बारे में कुछ हम स्पेसिफिकेशंस दें तो ये टेक्निकल कोलैबोरेशन रिलायंस के साथ इस बस के लिए उन्होंने किया है। इसके अलावा ये बस करीब 400 किलोमीटर तक चल सकती है। जब हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको टैंक को रीफिल करने में कंपनी का कहना है कि मात्र 15 मिनट्स का वक्त लगता है, और साथ ही जो इसका बाय प्रोडक्ट है यानी जो पोल्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं है इस बस से। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जैसे कि डीजल धुआं छोड़ता है, पेट्रोल धुआं छोड़ता है, ये बस केवल पानी छोड़ती है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन के बाद पानी में कन्वर्ट होकर यानी वाटर में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की, तो इस बस के साथ साथ ही इन्वेस्टर्स इनकी जो रिसेंट की परफॉर्मेंस है उस पर भी अच्छी तरीके से दाव खेल रहे हैं। अगर इनकी ऑर्डर बुक देखें तो वो 3200 से भी ज़्यादा की है, साथ ही साथ करीब 150 बसेस कंपनी महीना पर महीने बना सकती है। अगर इस ऑर्डर बुक को इनकी मंथली कैपेसिटी से अगर इसकी तुलना करें तो आने वाले 22 महीने के लिए जो इनकी ऑर्डर बुक है वो सफिशिएंट है इनकी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखते हुए। साथ ही साथ जो चाइना रीओपनिंग हो रही है, इनकी कुछ सप्लाई चेन की दिक्कतें चल रही थी वो भी अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हैं, ऐसा कंपनी ने हाईलाइट किया है। तो ये तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, और ख़ासतौर से जब कंपनी ने बोला कि आने वाले एक साल में वो अपनी हाइड्रोजन बस भारतीय रोड्स पे लाते हुए दिखेंगे। ठीक है सृष्टि, मेरे को एक चीज आपसे पता करनी है। अभी आप कह रहे थे ना बसेस जो है पानी छोड़ती हैं, ये पानी डिस्टिल्ड वाटर है या क्लियर वाटर है? और दूसरा, क्या देश में पानी की समस्या भी खत्म हो सकती है इससे? क्योंकि पानी छोड़ेंगे तो फिर ठीक है, एनर्जी मिल गई, पानी आप घर ले जाओ। वो तो कहना मुश्किल है डिम्पी जी, बट एक बात साफ है कि जो भी ये पानी है वो पर्यावरण को बहुत सेफ रख रहा है, तो वो एक काफी अच्छी बात है। ठीक, तो H2O का O जल जाएगा, H2 आपको मिल जाएगा वापस, आप जैसे समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन हाँ कुल मिला के पर्यावरण के लिए अच्छी बात है। बसेस दिखा दीजिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि देश अच्छे से स्वच्छ रहे, बिल्कुल पोल्यूशन ना हो, और उसके अंदर इलेक्ट्रा ग्रीन की ये काबिल तारीफ है। हाइड्रोजन की जो बसेस को डेवलप किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगर शिफ्ट हो जाए ना बहुत हद तक, तो एक एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया जा सकता है। और इलेक्ट्रा